ब्लैक होल के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ब्लैक होल हर एक चीज को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए या फिर ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो ब्लैक होल के अंदर उसके ऊपर इतना भयंकर दबाव पड़ेगा कि उसका शरीर कई टुकड़ों में बट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि ब्लैक होल के अंदर अगर कोई इंसान जाता है तो वो मरेगा नहीं बल्कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाएगा। और कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका कहना है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो कहाँ जाएगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वो वन वे रास्ता होगा जहाँ कोई जा तो सकता है लेकिन वापस आने की कोई संभावना नहीं बचेगी। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा आया जिसने ब्लैक होल के पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया और उसने बताया कि ब्लैक होल के अंदर की जिंदगी कैसे होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जाने से एक इंसान कहां पहुंच जाएगा। ब्लैक होल के बारे में हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाता है। ब्लैक होल अथाह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता, यानी कि ब्लैक होल के अंदर ना ही समय की कोई वैल्यू रह जाती है ना ही जगह की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भयंकर गुरुत्वाकर्षण और भयंकर अंधकार की जगह होती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि ब्लैक होल के एक चम्मच जितने आकार का जो द्रव्यमान होता है, यानी उसका जो वजन होता है, वो 40 लाख हाथियों के बराबर होता है। और उससे भी हैराने की बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ऐसे ब्लैक होल मौजूद है जो दिखने में छोटे है लेकिन उनका वजन सूर्य से भी हजारों गुना ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक कि वो प्रकाश को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देता। इससे एक बात तो साफ है कि इसके अंदर जो भी जाएगा उसका वापस निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी अंधेरी जगह पर टॉर्च को जलाकर किसी जगह को देखने की कोशिश करते हैं, उस वक्त टॉर्च से निकलने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के पास वापस आती है, तभी वो चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन मानकर चलिए अगर वो प्रकाश लौट कर वापस ही ना आए तो क्या होगा? यानी कि आपने टॉर्च जलाई और प्रकाश कहीं गायब हो गया। इस चीज को ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल कहा जाता है, यानी कि कृष्ण विवर। दोस्तों, दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, मेरा मतलब हर एक चीज का एक अंत समय आता है, वैसे ही तारे की भी एक निश्चित आयु होती है। और जब किसी तारे का अंत समय आता है तो वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वो सब कुछ अपने अंदर से निगलने लगता है। हर चीज का तात्पर्य इससे ये है कि एक प्रकाश जिसका कोई वजन नहीं होता, ब्लैक होल उस चीज को भी अपने अंदर खींच लेता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स बताते हैं कि ब्लैक होल का जो प्रभाव क्षेत्र होता है, यानी जहां तक पहुंचने के बाद ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, उस प्रभाव को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल भी पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हो अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए? तो दोस्तों, इस विषय पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी गलती से आप किसी ब्लैक होल के नजदीक आ जाते हैं या फिर आपका सामना किसी खतरनाक ब्लैक होल से हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपके साथ तरह तरह की घटनाएं होने की संभावना है। सबसे पहली संभावना तो जैसे ही आप ब्लैक होल के बाहरी सतह पर टकराएंगे आप जलकर राख हो सकते हैं। दूसरी संभावना ये है कि ब्लैक होल आपके अपने अंदर बिल्कुल खींच कर ले जाएगा जहाँ एक अलग ही दुनिया बसती है। तीसरी संभावना यह है कि ब्लैक होल आपको अपने अंदर इतने अधिक दबाव के साथ खींचेगा कि आपका शरीर क्षत विक्षत हो सकता है। ये घटना आज से कुछ साल पहले की है जब अंतरिक्ष में सुदूर एक प्राचीन ब्लैक होल दिखाई दिया। सिर्फ ब्लैक होल दिखता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बार जो देखा वो हैरतअंगेज था। इस ब्लैक होल के बीच में भंवर का तूफान उठ रहा था। ये तूफान बेहद प्राचीन समय से लगातार चल ही रहा था। वैज्ञानिक इस ब्लैक होल की स्टडी कर रहे थे। उनको उम्मीद है कि इससे उन्हें आकाश गंगाओं के मिलन और ब्लैक होल के मध्य की गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। ज्यादातर आकाश गंगाओं में बड़े ब्लैक होल्स होते हैं
आमतौर पर ये आकाश गंगा के बीचों बीच मिलते हैं और हमारे आकाश गंगा में एक भयंकर ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सेगेटेरियस ए रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी आकाश गंगा के अंदर जो ब्लैक होल मौजूद है उसका आकार इतना बड़ा है कि उसके भीतर 43 लाख सूरज समा जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े ब्लैक होल के अंदर अगर पृथ्वी चली जाए तो उसका क्या हाल होगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है इतने बड़े ब्लैक होल के अंदर एक अलग ही तरह की दुनिया बसती होगी। कहा जाता है कि आकाश गंगाओं और ब्लैक होल्स के बीच बहुत बड़ा मजबूत रिश्ता है क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। आकाश गंगाओं के बीच में चलने वाली हवा की वजह से ब्लैक होल मध्य में केंद्रित हो जाता है। वो वहीं से धूल और गैसों को खाता और निगलता रहता है। ऐसे में जब तेज हवा चलती है तो ब्लैक होल के बीच भंवर जैसा तूफान बनता है जो अत्यधिक खतरनाक होता है। वैज्ञानिकों ने अभी जिस ब्लैक होल की खोज की है वो करीब 13 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें 1300 करोड़ सालों से तूफान लगातार चलता आ रहा है। ताकुमी कहते हैं कि हमने गैलेक्सी के डेटा को ब्लैक होल्स के डेटा के साथ मिलाकर सिमुलेशन तैयार किया है जिससे पता चलता है कि ये तूफान कभी नहीं रुकेगा। इसे रुकने के लिए किसी बड़े कारण की जरूरत पड़ेगी और संभव है एक दिन ऐसा आएगा जब आकाश गंगा का हर एक चीज उस ब्लैक होल की चपेट में आ जाएगा, यहाँ तक तो खुद हमारी पृथ्वी भी। वैसे तो ये ब्लैक होल हमारे ग्रह से इतनी ज्यादा दूर है कि पृथ्वी के इनके अंदर समाने की बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे सबसे करीब की आकाश गंगा हमारे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रहा है। यदि हमारी आकाश गंगा और हमारी गैलेक्सी की टक्कर होती है तो आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद जो ब्लैक होल है वो हमारी पृथ्वी को निगल सकता है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार ऐसा आज से करीब 4 अरब साल बाद ही होगा। 4 अरब साल एक बहुत लंबा समय है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में जानने और उसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हैं। उम्मीद है ब्लैक होल के बारे में आने वाले समय में और भी जानकारी सामने आएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आपके लिए हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। शुक्रिया।